और राजधानी भोपाल में चल रही 7 दिवसीय कथा का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा के समापन में उद्बोधन करते हुए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हमें अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए काम करना है। जल्द ही मैं बड़ा आंदोलन करूंगा, मुझे इसके लिए जनता का साथ चाहिए। इसके साथ ही देवकी नंदन ठाकुर ने सीएम शिवराज से वेब सीरीज पर बैन लगाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे बच्चे गलत संस्कार पा रहे हैं। उनके इस आग्रह को मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया और ये कहा कि हम जल्द ही इस दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही कथा समापन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे। उन्होंने देवकी नंदन ठाकुर का साथ देने की बात कही और एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई। नवाबों की नगरी है, चल इन नवाबों की नगरी नहीं है, मेरे ठाकुर की नगरी, आके देख लो यहाँ पे आके, ये देखो पत्ता पत्ता राधे राधे उच्चारण कर रहा है। नवाबों की नहीं, मेरे नायक की, मेरे कृष्ण की, जगत गुरु की नगरी है ये भोपाल। और सबसे अच्छी बात, हमारे शिवराज जी की जो एक योजना है, तीर्थ दर्शन योजना, आई लाइक इट, लाडली योजना, वो मुझे बहुत पसंद है कि हर एक बेटी को इतना चकाचक मिले। आपकी बड़ाई कर रहा हूं आज मुख्यमंत्री जी, आज बहुत अच्छा समय है जो आप पधारे, आज कथा संपूर्ण है, 7 दिन का लाभ आज आपको और हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो है उन दोनों को, आज तो पूरा प्रदेश ही आ गया यहाँ, हमको ऐसा लग रहा है। वेब सीरीज पे अगर प्रयास हो सके तो हमारे बच्चों के संस्कारों को बचाने के लिए इस पे प्रयास अगर हो जाए, हमारी आग्रह है। वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। आप वक्ता को पकड़ोगे तो मेरे पागलो तुम घाटा खाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो तुम निखर जाओगे।